एक पति की अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई। लेकिन पत्नी ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए फोन करके अपने मायके वालों को बुला लिया। इस झगड़े में एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ गई। मकान नंबर 2249 सेक्टर 62 निवासी अनिल राठी एक निजी चैनल में पत्रकार हैं। वो अपने पिता अतर सिंह राठी उम्र 64 वर्ष और छोटे भाई पवन राठी के साथ रहते हैं। पवन निजी फैक्ट्री में नौकरी करता है। अनिल के मुताबिक रविवार सुबह वो घर पर नहीं थे। सुबह करीब 10:30 बजे पवन ने अपनी पत्नी नीलम से कार की चाबी मांगी, लेकिन उसने चाबी नहीं दी। इस पर पवन व उसकी पत्नी का विवाद शुरू हो गया। मामला बढ़ता देख पवन की पत्नी नीलम ने फोन करके अपने मायके वालों को बुला लिया। आरोप है कि कुछ समय बाद ही छोटे भाई की पत्नी नीलम की माँ, मौसी, भाई उमंग, अभिषेक और पत्नी का चाचा संजय घर आए और आते ही कहा कि तू हमारी लड़की को तंग क्यों करता है। जिन्होंने घर में घुसकर पहले पत्रकार के छोटे भाई पवन के साथ लाठी डंडों व सरियों से जमकर मारपीट की। इस दौरान बीच बचाव करने आए उनके पिता को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा और उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। हमला लाठी डंडों और लोहे के सरियों से किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पत्रकार के मृतक पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वही छोटे भाई पवन के बयानों पर आईपीसी की धारा 302 के अलावा अन्य संगीन धाराओं के तहत 5 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है और अब पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सर क्या मामला है? मामला क्या है? कल हमें करीब 1 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि जैसे सेक्टर 62 में अत्तर सिंह के घर उनके रिश्तेदार ने झगड़ा किया और अत्तर सिंह की उसमें मौत हो गई। तो मौके पर पुलिस पहुंची तो अत्तर सिंह को बीके हॉस्पिटल लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। आज उनके बयान लिख के मुकदमा दर्ज किया गया। अभी पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई की। आरोप किन पर है और वजह क्या बताई जा रही है? सत्या वजह अत्तर सिंह के बेटे हैं छोटे पवन, उनकी उनकी वाइफ का कोई झगड़ा था तो पवन की और उसकी वाइफ का कोई डिस्प्यूट था किसी बात को लेके, तो उनके मायके से उसके भाई और उनके परिवार वाले आए थे कल, तो उन्होंने उनके साथ आपस में बातचीत करते हुए आपस में दोनों का झगड़ा हो गया था। तो अभी कितने लोग घायल हुए हैं और क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? इसमें पवन के चोटे मारी हैं, उसके फादर एक्सपायर हो गए और इसका पोस्टमार्टम चल रहा है। अभी पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई करेंगे। मुकदमा 302 में दर्ज किया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वो वहाँ से 3 जेंट्स हैं, उसका साला, उसके चाचा और 2 लेडीज हैं, तो उनका नाम लिखा है। उन्होंने पवन के चोटे मारी और जो छुटा रहे थे उनके फादर, तो उनको भी धक्का मारा, चोट चाट मारी, तो इस वजह से उनकी मौत हो गई। अभी पोस्टमार्टम के बाद हम जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करके गिरफ्तार करेंगे। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।